मोदी कैबिनेट ने किसान बिल वापसी का प्रस्ताव पास किया। राकेश टिकैत ने बताया जल्द ही खत्म करेंगे आंदोलन। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिवार को देंगे 25 लाख रुपए। ममता बनर्जी से मिले सुब्रमण्यम स्वामी, मुलाकात की तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस ने जारी की। कश्मीर घाटी में अब तक 148 आतंकवादी मारे गए, सीआरपीएफ ने दी जानकारी। केरल के सीएम का ऐलान, 1.5 लाख मछुआरों के परिवारों को 3,000 रुपए की दी जाएगी सहायता। की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कोरोना और डेंगू के बाद प्रदेश में लोग अब जीका वायरस से दहशत में हैं। प्रदेश के कई जिलों में इस वायरस ने पैर पसार दिए हैं। हालांकि सावधानी बरती जाए तो जीका वायरस जानलेवा नहीं है, यह कहना है एम्स रायबरेली के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी का। डायरेक्टर एम्स के मुताबिक इस बीमारी के लक्षण कोरोना और डेंगू से मिलते जुलते हैं, इसलिए अगर हाथ पैरों के साथ जोड़ों का दर्द, कमजोरी और त्वचा पर चकत्ते दिखाई दे तो तुरंत अस्पताल जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर अरविंद राजवंशी का कहना है कि इस बीमारी के लक्षण अगर शरीर पर दिखाई दे तो डॉक्टर के संपर्क के अलावा खूब पानी पिए, अच्छा खाना खाए और ज्यादा से ज्यादा आराम करे। साथ ही डॉक्टर्स लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जानलेवा खतरे के तौर पर उभर रहे जीका वायरस की उल्टी अब हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में भी हो गई है। हमारे साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी जी हैं। हम इनसे जानते हैं आखिर क्या है ये जीका वायरस। सर, ये क्या है जीका वायरस? एक किस्म का वायरस है, जैसे डेंगू का वायरस होता है, कोरोना का वायरस है, ये भी एक प्रकार का वायरस है। ये वायरस मच्छरों के द्वारा, एडीज एजिप्टियाई के द्वारा फैलाया जाता है और इसकी रोकथाम में मच्छरों की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। सर, इस वायरस के लक्षण क्या है? लक्षण इसके हैं जो कि एक आम फ्लू में होते हैं, बुखार आना, कांती, जुकाम, मांसपेशियों में दर्द, आंखें लाल होना, जोड़ों में दर्द होना और बड़ी वीकनेस होना। सर, अगर जो ये हो जाए जीका वायरस के किसी मरीज को तो इससे घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हो जाए तो अस्पताल में जाइए, अपना टेस्ट कराइए, ये कंफर्म करिए कि जीका है, कोरोना है या डेंगू वायरस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तीनों वायरस में इलाज फ़र्क है और अगर हो जाए तो घबराइए नहीं, घर पर रहिए, टेस्ट कराइए। टेस्ट जीका के लिए यदि पॉजिटिव आए तो अच्छा खाना खाइए, बहुत बुखार हो तो पैरासीटामोल लीजिए, मांसपेशियों में दर्द हो तो पैरासीटामोल और एसिटामिनोफिन ले सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी जी। इन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन फिर भी इसका इलाज समय से हो जाए, जैसे मांसपेशियों में जकड़न हो तो पैरासीटामोल खाए, बाकी इसका पूरी तरह से अभी निदान नहीं है, मच्छर से बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। कैमरामैन रविंद्र के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। वही आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के कोलबाज बहादुर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने 2 निर्माणाधीन परिसरों को सील कर दिया। इस मामले पर सचिव बैजनाथ ने बताया कि कोलबार बहादुर में दयानंद यादव और रमानंद यादव ने बिना मानचित्र पास कराए ही 250 वर्ग मीटर परिसर में निर्माण करा रहे थे, जिसको आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की टीम ने पहुंचकर सील करवा दिया। वहीं औरैया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर सीएमएस डॉक्टर प्रमोद कटियार ने मनमानी करते हुए सरकारी अस्पताल के सामान को कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया। जानकारी मिली कि सरकारी सामानों की नीलामी की जगह सारे सामान को चोरी छिपे बेच दिया गया है। दुकान पर 2 लोहे के मेज, 5 स्ट्रेचर, 1 बेड समेत कई और सामान भी बरामद किया गया है। पूरी घटना के बाद जब ये मामला सामने आया है
तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार व्यापारियों के हितों को लेकर प्रयत्नशील है। प्रदेश में अब तक 12 मंडलों में व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी के तहत मिर्जापुर में मंडलीय व्यापार सम्मेलन का आयोजन 25 नवंबर को नगर के लॉयंस स्कूल में सभागार में आयोजित किया जाना है। व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक सीट के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करने की कार्यवाही भी की जाएगी। यह सारी जानकारी व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताई। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अंतर्गत व्यापारी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की योजना और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना और उनके द्वारा की गई प्रगति और संकल्प को नीचे तक पहुंचाने के लिए व्यापारी वर्ग के कई छोटे रेहड़ी पट्टी वाले से लेकर और बड़े उद्योगपति तक जिस प्रकार की चिंता उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, उस सब की जानकारी व्यापारियों तक पहुँचे, वो उस आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहभागी बने और संकल्प और विजन के साथ अपने को जोड़कर अपने अपने व्यापार की और उद्योग की प्रगति करें। कुटीर उद्योगी हों, सूक्ष्म उद्योग हों, लघु उद्योग हों, मध्यम उद्योग हों, सभी का विकास हो, इस दृष्टि से व्यापारी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से व्यापारियों का मंडलीय सम्मेलन पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है और 20 ऐसे मंडलीय सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं जिसमें से 12 सम्मेलन हो चुके हैं और आपके यहाँ मिर्जापुर में मंडलीय सम्मेलन कल 25 नवंबर को दोपहर को 12 बजे लाइन्स क्लब लाल डिग्गी पर आयोजित है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री नरेश अग्रवाल जी और मैं स्वयं रविकांत गर्ग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड और विनीत शारदा जो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है वो रहेंगे और जनता व्यापारियों की कठिनाइयों को समस्याओं को सुनेंगे भी और उनकी समस्याओं के हल के लिए। और वही रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग और उसके परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की माने तो पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी घर के बाहर बने शौचालय में गई हुई थी और वो जैसे ही शौचालय से बाहर निकली पहले से ही घात लगाए बैठे मोहल्ले के युवक ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की, जिसकी शिकायत लेकर जब वो शिवगढ़ थाने पहुंची तो पुलिस ने उनको वहां से भगा दिया है, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच के लिए और न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई है। रात में हम देर तक पढ़ाई करते हैं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं और रात 15 नवंबर रात 10:30 बजे हमारा अचानक पेट दर्द करने लगा और हम शौचालय गए। शौच करके जैसे ही बाहर निकले मोहल्ले के बबलू पुत्र सरगे नन्ना ने हमें पकड़ लिया और हमारे साथ छेड़छाड़ करने लगे और जब हमने उन पर विरोध किया तब उन्होंने हमें खेत की तरफ ले जाके कहा हमारे साथ शारीरिक संबंध बना और हमने कहा हमें छोड़ दो नहीं तो मम्मी से बता देंगे, तब उन्होंने हाथ ढीला किया और हमने किसी भी तरह से उनसे छुड़ाकर अपनी माँ को सारी बात बताई और माँ ने कहा कि सिगड़ थाने जाना और हम 16 तारीख को सिगड़ थाने गए वहाँ पर। वही रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में युवक ने घर से कुछ दूरी पर एक निर्माणाधीन मकान में जाकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परिजनों समेत कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को फंदे से खोलकर जमीन पर उतारा, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी कोतवाल रामराज कुशवाहा ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच के आदेश फिलहाल दे दिए गए हैं, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। रायबरेली से आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक घर के पास ही एक निर्माणाधीन मकान में जाके उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सुबह परिजनों को पूरे मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी। वहीं कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
वहीं संभल में गेहूं की बुवाई के लिए सिंचाई कर रही मां बेटे की करंट लगने से मौत हो गई। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटे के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईटेंशन लाइन जर्जर हो चुकी है और काफी समय से उससे करंट उतर रहा है। इसकी जानकारी बिजली विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक पूरे मामले पर सुनवाई नहीं की गई। इसी लापरवाही के चलते दो लोगों की आज मौत हो गई है। तो बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सिंचाई करने पहुंचे मां बेटे की करंट लगने से मौत हो गई है। संभल से आपको यह हम पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर मां बेटे गेहूं की बुवाई के दौरान सिंचाई करने के लिए खेत पर गए हुए थे, तभी करंट लगने की वजह से दोनों की मौत हो गई। वही बता दें कि पूरी घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर रोष जताया है। सीधे तौर पर सभी ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की इसमें घोर लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि काफी दिनों से हाईटेंशन लाइन जो थी वो जर्जर हो चुकी थी, कई बार करंट भी उतरा था, बावजूद इसके बिजली विभाग इस पूरे मामले पर कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। ग्रामीणों ने कई बार इस पूरे मामले की शिकायत बिजली विभाग से की थी, बावजूद इसके अभी तक कोई भी कर्मचारी इस लाइन को ठीक करने के लिए गांव में नहीं पहुंचा था, जिसके बाद ये पूरी मामला सामने आया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुबारक अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुबारक, जिस तरीके से बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर करंट लगने की वजह से माँ और बेटे की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दूं, जनपद संभल के गिन्नौर तहसील पड़ती है, फिर गिन्नौर तहसील में जो माँ बेटों की दोनों की मौके पर मौत हो गई है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, कई बार से काट कर चुके हैं ग्रामीण और ग्रामों का काफी रोष है और अधिकारियों की हर कहीं लापरवाही सामने आ जाती है, कई बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे बिजली विभाग। मुबारक, जिस तरीके से बिजली विभाग पर इस वक्त गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब क्या विद्युत विभाग की तरफ से कोई बयान सामने आया है? बिजली विभाग का अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने कहा है, बोले जांच चल रही है, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संभल संवाददाता मुबारक अली हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें खबर पर तमाम जानकारी दे रहे थे। वही अगली खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र में एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार और उसके सहयोगी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सीएमओ और उनके कर्मचारी ने मिलकर पत्रकार पर हमला किया। ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि ग्राम पंचायत सेंदूर मकरा में अज्ञात कारणों से लगातार 15 मौतों के मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करने के लिए पत्रकार पहुंचा हुआ था और बात शुरू होते ही थोड़ी देर में पत्रकार को अधिकारी ने रोक दिया। अधिकारी के पास हटने के बाद पत्रकार कैंप कार्यालय के बाहर चले गए, लेकिन सीएमओ और उनके कर्मचारी ने इसी बीच हमला कर दिया और कैमरे को तोड़ दिया। वहीं इसी मामले में शिकायत करते हुए पीड़ित पत्रकार ने न्याय की गुहार लगाई है और पीड़ित ने योगी सरकार सहित तमाम बड़े मंत्रियों को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। तो सोनभद्र से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। सीएमओ और कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप इस वक्त लगाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि एक निजी चैनल के पत्रकार थे, वो एक न्यूज को कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वहीं पर मौजूद सीएमओ और उनके कर्मचारियों ने पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया। लगातार ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पत्रकारों पर लगातार इसी प्रकार से शोषण किया जा रहा है। वहीं एक और मामला इस तरीके से सोनभद्र से सामने आना कहीं ना कहीं सोनभद्र के स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए संवाददाता रविंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रविंद्र, सोनभद्र से यह मामला सामने आया है, जहां पर एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? सोनभद्र मेयरपुर ब्लॉक के मकरा गांव में 10 दिन में 14 मौतें हुई हैं, जिसमें जब वहां मीडिया कर्मी पहुंचे तो चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची। इसी के जानकारी लेकर निजी चैनल के पत्रकार जब सीएमओ ऑफिस में गए
तो सीएमओ द्वारा बयान नहीं दिया गया, वो बाहर निकल के पीटीसी भागने लगे। इसके बाद उनके एक खास करीबी है, कार खास है, जो 17 साल से ही सोनभद्र में जमे हुए हैं, उन्होंने कैमरा तोड़ दिया। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, फुटेज भी हम देख रहे हैं, जिस तरह से पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, इसको लेकर अब क्या कुछ बयान सामने आ रहा है प्रशासन की तरफ से? अभी शासन प्रशासन को कोई ऐसा बयान नहीं आया है। ये कि सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी समेत सभी जो अधिकारी हैं उनको क्या कहा गया, प्रतिलिपि दी गई है। अब देखना यह कि क्या उचित कार्रवाई की जाती है। जी रविंद्र, इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या इस मामले में FIR अब तक दर्ज की गई है? FIR दर्ज नहीं की गई, एप्लीकेशन दिया गया है, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तक कोई कार्रवाई सोनभद्र जिला प्रशासन शासन द्वारा नहीं की गई है। तरीके से आप भी हमारे संवाददाता हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत में आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, ऐसे में एक पत्रकार के साथ इस तरीके से जानलेवा हमला होना, जिस तरह से वो एक न्यूज कवर करने पहुंचे हुए थे, वहां पर सीएमओ और कर्मचारियों के साथ इस तरह से व्यवहार करना, किस तरह आप देखते हैं इसको? बिल्कुल सरासर कर, जबकि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, वो समाज की हर घटना, ऊंची बड़ी घटना जो भी उसको समाज में पेश करता है, यदि ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सोनभद्र से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। वही ताजनगरी आगरा में सैकड़ों महिलाओं ने सड़क को जाम कर दिया, सड़कों पर उतरी महिलाओं ने हंगामा करते हुए जाम लगाया है। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना है कि भीषण जल भराव के चलते काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है, इस वजह से महिलाएं प्रदर्शन कर परेशानी को दूर करने की मांग कर रही है। महिलाओं के हंगामे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत करवाते हुए जाम को खुलवाया गया। इस दौरान जाम को खुलवाने के लिए कई थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। आज विगत 43 दिनों से क्षेत्रीय जनता यहां सरौली मार्ग पर बैठी हुई है और शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज क्षेत्रीय जनता लामबंद होकर सरौली रोड जगनेर रोड मार्ग का जाम किया है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम निरंतर इसी तरह से रोड पर सभी सम्मानित लोगों के साथ, क्षेत्रीय लोगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा, हमने प्रदेश सेंट्रल की किसी भी स्तर के पदाधिकारी अधिकारी को अवगत कराए सूचना देकर और हमने यहाँ तक मजिस्ट्रेट साहब, DM साहब, SSP साहब सबको इस ज्ञापन के लिए अवगत कराया और बार बार हम उन्हें चेतावनी देते रहे कि हमारे सरौली रोड मार्ग की ये है सारी प्रतिलिपियाँ हैं, पूरी प्रतिलिपियाँ हमने देखो ये है, मुख्य सचिव को सभी लोगों को दे चुके हैं, उसके माध्यम से फिर भी सरौली रोड मार्ग 20 साल से बदहाली की हालत में, यहाँ क्षेत्रीय जनता नरक की हालत में जी रही है, डेंगू इस कदर फैला हुआ है, क्षेत्र पूरे रोड पर जल भराव है, फिर भी शासन प्रशासन जिला स्तर में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसी प्रकार की यहाँ डेंगू की ना कोई फॉगिंग की गई, ना किसी चिकित्सा सुविधा की कोई व्यवस्था की गई। आगरा जिला प्रशासन हमको समझ रहा बेवकूफ, 4 साल से हम बरकरार शिकायत कर रहे हैं, माननीय महोदय प्रधानमंत्री तक की गद्दी नहीं छोड़ी है हमने, राज्यपाल की गद्दी नहीं छोड़ी है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी गद्दी नहीं छोड़ी है, वो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, देश के प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, इस धनौली की क्या कारण है जो नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग, यहाँ से पलायन कर गए, क्या मजबूरी है, क्या यहाँ ये लोग वोट नहीं देते क्या? वही अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र के संभावित निर्दलीय प्रत्याशी और समाजसेवी जावेद खान की सराहनीय पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि जावेद खान ने फिर से एक बार सराहनीय पहल की है, उन्होंने बंजारा समुदाय की असहाय गरीब युवती की शादी में मदद की, वो इससे पहले भी कई तरीके की समाज सेवा का काम करते रहे हैं। जावेद खान के साथ ही इसरार अहमद और उनके अन्य साथियों ने भी इस सराहनीय कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। वही अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील परिसर में लेखपालों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेखपाल संघ के अध्यक्ष राम सिधार के नेतृत्व में लेखपाल धरने पर बैठ गए। लेखपालों का आरोप है कि उपजिलाधिकारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसकी शिकायत करने पहुंचे हुए थे, जिसमें मुकदमा भी फिलहाल पंजीकृत करा दिया गया है लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद से लेखपालों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा सिंगारी देवी में BLO का प्रशिक्षण चल रहा था,
प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने हमारे लेखपालों को और ख़ास तौर से हमारे मंत्री जी को इन्होंने अभद्रता की इनके साथ, आप शब्दों का प्रयोग किया और यहाँ तक कि कमरे पर जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया था। उसी को लेकर के हम इनसे मिलने गए कि आपने ऐसा क्यों किया, इसके बाद भी अभद्रता किए, गाली गलौज दिए, इसीलिए हम लोग धरने पर बैठे। मांग की हमारी यही है कि इन्होंने जो हमारे ऊपर FIR किया है, ये FIR वापस हो और जो है हमारे जो लेखपाल साथियों को इन्होंने निलंबित किया वो निलंबित वापस हो। ख़ास तौर ये है कि इनका स्थानांतरण हमारे तहसील से कर दिया जाए, हम इनके सानिध्य में काम करने के लिए। वही मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी माता के दरबार में दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, लेकिन श्रद्धालुओं के दर्शन के दौरान दुकानदारों ने हाथ पकड़कर जबरन प्रसाद लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने पर पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित करते हुए आदेश दिए कि यात्रियों के साथ व्यवहार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इस मामले में चौकी प्रभारी ने दोषी दुकानदारों का चालान भी कर दिया। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता लगातार 3 दिन से थाने का चक्कर लगा रही है, जिसके बावजूद आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और पीड़िता अध्यक्ष बोर्ड में बैठी रही, लेकिन दबंगों ने महिला के नाम ही उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया। जब मीडिया ने CO खैर से इस मामले पर जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने जांच करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। मेरे पति बाहर रहते हैं मशीन पे, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, तो मैं अपने खेत पर पानी देखने गई तो किस बदगाएं मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे खींच ले गए झाड़ी नुमा और बदतमीजी बोले मुझसे, और फिर मेरा सारा बदन वो कर दिया, फोंस दिया और कपड़े खींचा ता नहीं करी, कपड़े फाड़ दिए मेरे। मामला सामने आया है जहां पर महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब पुलिस पर ही उल्टा आरोप लगता दिखाई दे रहा है, जहां पर पीड़िता का कहना है कि उसके साथ छेड़छाड़ का जो मामला है पुलिस के द्वारा दर्ज नहीं किया जा रहा है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।